अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद मुर्तजा और आप मुझे आई सुपर कोरे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, इस वक्त मैं स्टार्टअप मैगजीन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टार्टअप इनसाइडर। अच्छा, सामने तस्वीर तो बड़ी जानी पहचानी शख्सियत की है श्याम भाई की, तो अभी मुझे कुछ ही देर पहले ये दिया गया कि जी आप इसके बारे में अपने रिव्यूज बताएं, तो मैंने जल्दी जल्दी इसको देखा। पहली चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि प्रिंट का कागज़ बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी का प्रिंट मिलना इंतहाई मुश्किल है। और फिर मैंने देखा जी क्वालिटी क्या है प्रिंट की, पेपर की और बाकी चीज़ें जो होती हैं किसी मैगजीन में आप देखते हैं, तो कमाल है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है। मैंने टीम को देखा, यंग लोग हैं सारे के सारे, जो टीम है तकरीबन 10-11 लोग हैं बल्कि ज़्यादा हैं, और जो प्रोफाइल्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के लोगों की हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब से स्टार्ट किया छोटी जॉब से फिर एंटरप्रेन्योर्स बने, सो इट्स क्वाइट गुड, मैं खुद भी खरीदूंगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट को बड़ी अच्छी तरह से आर्टिकल फॉर्म में इंटीग्रेट किया है, जो कि करना बहुत मुश्किल है कि इश्तिहार भी आप चला दें और साथ में कुछ नॉलेज भी दे दें, इंफोटेनमेंट या इस तरह की चीज़। और लेआउट बहुत ही खूबसूरत है, लाइक कलर्स, कलर स्कीम, राइटिंग्स, फॉन्ट्स, एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटीफुल, और मुख्तलिफ स्टार्टअप टीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस मैगजीन से मिल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करें, एंड इट्स अंडर 1000 रुपीज़ विच इज़ क्वाइट गुड, और इश्यू 29 है ये, इसका मतलब है 29 पब्लिश हो चुके हैं अभी तक। आई होप कि किसी दिन मैं भी देखूँगा यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। चलें।